हाई प्रोफाइल महिला केमिति ट्राप करुला रमेश किपरी घर को आणुला किपरी से ठकई करुला बहुचर्चित रसिकिया नकली डाक्टर रमेश स्वाईं गिरफ घटन रमेश सहायिका ठाब कर पुलिस रमेश कलाकारनामार एकमात्र मुखसाखी थी सहायिका दीर्घ दिन खोजुला पुलिस महिला पचराउचरा पर पुलिस किसी चांचल्यकर तथ्य पाई सहायिका भाव काम कर महिला बयान अनुसार राज्य बाहर रोकवा रमेश मसक आठ रु दस दिन भुवनेश्वर आसुला 2019-2021 दुई वर्ष काम करने भितर प्राय छह जन महिला विवाह कर घर को आनी रमेश भौणी गृह प्रवेश कराइबा सह नणंद पुटुली सुनागहना रखि पकाउले निजर मोबाइल रे रमेश कलाकारनामार किसी प्रमाण रखी था तार सहायिका एक जाणीप रमेश तार मोबाइल भांगा सह अधराति घर बाहर करदे दु वर्ष तीन मस दरमा दे 27,000 दु वर्ष दरमा भी देना ऑब्जेक्शन कला मैं रात 11 धक्का मारिक घर माड़ मारिक बाहर करते मो मोबाइल भी भांगी दे मोबाइल प्रूफ किसी थी मोबाइल भी भांगी तापर मुझे कम छाड़ी पलि ठक बोली तो मुझे जाणी नी कि मो आखि सामने अन्या होते गोटे नहीं 4-4 नारी को आणिक जनाऊ नथिले बाहाई न जड़े कि जन जन को बाहती सेटा मुझे जान ली मुझ सही पारे मुझ भी गोटे लेडिज तो लेडिज अन्या अत्याचार होती मुझे सर आप जहाँ कर ठीक करना सेपटे गतकाली ठार पुलिस अटक रखि रमेश ड्राइवर चित्तरंजन पटनायक और पप्पू को गिरफ्त कर कोर्ट चलाण कर पुलिस ठकई सिंडिकेटर मुख्य थिबा ड्राइवर पप्पू रमेश को अन्य राज्य में विवाह पाई सहयोग करुला रमेश रमेश को भौणी और ड्राइवर को रिमांड आनी मुहांमुही जेरा कर पुलिस सेपटे रमेश को भौणी और द्वितीय पत्नी कमला स्वाई को नोटिस परे भी हाजर हो नथिबारु खूब शीघ्र गिरफ्त कर पुलिस ये सब जी फ्रॉड करते विभिन्न महिला मिछ परिचय दे बाहर ये झील ही जानी तो ये गोटे मुख्य साक्षी होते स्टेटमेंट आम लगी केस लगे बहुत महत्वपूर्ण आउ जेहेतु ये घटना बाबद से विभिन्न महिला को खबर दे दी आउ ये घटना प्रकट होगा विभिन्न महिला दूरे जाइए तो मैं धक्का मारे घर बाहर कर दे तो आम बयान आज रेकर्ड कर तदंत में ये बहुत सहायक कर तदंत समय आम जाचुर जी द्वितीय पत्नी थे से सब जगह विभिन्न रूप से आसिक इंट्रोड्यूस होते तो आम नोटिस जारी करूँ से नोटिस पर आसी ना डिटेल तदन पर जना पड़े रमेश विरुद्ध में 16 मामला रुजु होता बेले 13 मामलें तदंत कर कमिशनरेट पुलिस रमेश ठकई सिंडिकेट्रे आउ किसी बाहर लोकों संपृक्ति नहीं सन्देह कर पुलिस भुवनेश्वर कैमरा पर्सन दीपक रोशन रथों रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।